नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे प्रथम राशि, प्रथम लगन कर्म की जो भूमि है मेष राशि, मेष लगन निर्माण की भूमि है, कर्म नहीं निर्माण की भूमि है। मई 2024 कैसा जाएगा, सेहत क्या रहेगी, मान सम्मान की स्थिति क्या रहेगी, कहाँ पे रखनी होगी सावधानी, कहाँ से आप उठा सकते हैं लाभ। टू द पॉइंट, चैनल पे पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ आगे का सफर तय करिए। मेष लगन मेष राशि एनर्जी की राशि है, एनर्जी की लगन है। अगर आपकी सेहत की बात करें तो मई माह आपको सावधानी के साथ चलने का माह है। वैसे आप अपने जीवन में ज़्यादातर मनमानी करने के लिए जाने जाते हैं, किंतु यहाँ पे आपको मनमानी नहीं करनी चाहिए, सावधानी के साथ ही चलना चाहिए। कारण 23 अप्रैल को मंगल देव आपके मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। मीन राशि का मतलब समझते हैं, मीन राशि मतलब अपने से बारहवें जब कोई ग्रह जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रति जो ध्यान है वो कम रखते हैं, दूसरों के प्रति ध्यान ज़्यादा रखते हैं, इसको ऐसे ही कह सकते हैं, थोड़ी सी लापरवाही। तो लोगों का काम आप करेंगे लेकिन थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं, तो लापरवाही स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल नहीं। काया राखे धर्म है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है मित्र, तो शरीर का ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग गुरु के नक्षत्र में कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं। उसके बाद शनि के नक्षत्र में कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं। देखिए आपको अन्यत्र वीडियो में क्या मिलेगा कि शनिदेव मंगलदेव 40 दिन के लिए आपके 12वें घर में जा रहे हैं, ये पूर्ण सच नहीं है। जो हमारा राशि है ना, एक एक राशि अगर आप देखेंगे तो करोड़ों में नहीं अरबों में जाएगा। करोड़ों करोड़ किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है वो एक राशि का होता है, ठीक। उसमें खंड खंड करेंगे अगर नक्षत्र पे आएंगे ना, तब भी करोड़ों किलोमीटर मिलते हैं, इसलिए बात नक्षत्रों की जाए। तो यहाँ पे पूर्व भाद्रपद में अच्छा है, उत्तर भाद्रपद में भी अच्छी चीज़ें हैं। जब रेवती में जाएंगे तब आपकी सेहत खराब होगी, रेवती में जाएंगे तो आपको सावधानी के साथ सफ़र करना होगा वरना दुर्घटना युक्त हो सकते हैं। ठीक है मित्र, एक पॉइंट ये है कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको अच्छा सा थंबनेल दे दूँ, जिससे व्यूज़ तो हमारे बढ़ जाएंगे, फिर बाद में हमें आपके कमेंटों को झेलना पड़ेगा और फिर अगली बार आप देखने के लिए आओगे या नहीं आओगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि काट की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती ना। सच्चाई यही है कि आपको 8 मई के बाद थोड़ा सा सावधानी से चलना है और 15 मई से लेकर 1 जून तक बिल्कुल सावधानी के साथ आगे का सफर तय करना चाहिए। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि रेवती नक्षत्र में मंगल और राहु की युति अंगारक योग बनाएगी, जो हड्डी तोड़ देती है पैर की, बेवजह व्यय कराती है, खर्च कराती है। क्या खर्च कराएगी? सेहत को खर्च करा देगी, आयु संबंधित कष्ट को भी खर्च करा देगी, क्योंकि आयु का स्वामी ही तो द्वादश में जा रहा है। इसलिए अत्यंत सावधानी के साथ चलिएगा। पर यार सबका इकट्ठा बताता हूँ, गुरु महाराज वृषभ राशि में 1 मई से हैं, कृतिका नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? कृतिका, सूर्यनारायण के नक्षत्र में। आप छात्र हैं, आपको सफलता मिलेगी, एजुकेशन में सफलता मिलेगी। प्रेमी हैं, प्रेम में सफलता मिलेगी। संतान की चाहत है, संतान के लिए सफलता मिलेगी। संतान के लिए आप आगे बढ़िए ना, सफलता मिलेगी। धन वृद्धि के इच्छुक हैं, धन वृद्धि में गुरुदेव सफलता देंगे। तो गुरु का गोचर वर्ष पर्यंत बेहतर फल देगा, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। सूर्यनारायण चूँकि जो लगन में आपके थे उच्चता प्राप्त कर रहे थे, अब वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वृषभ राशि में सूर्यनारायण अपने से दशम जा रहे हैं। पॉइंट क्या है? सदैव पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखिएगा, कोई चीज़ क्यों लाभ देगा, कैसे देगा, कितना देगा, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज्योतिष सीखने के सर्व गुण आपके अंदर निहित हैं, बस उनको जागृत करना है। भगवान ने वो आप के अंदर ऐप्स डाल रखे हैं, ऐप है, बस खोलिए और काम करना शुरू करिए। और ज्योतिष बहुत सरल है, सबको करना चाहिए। यहाँ पे सूर्यदेव अपने से दशम जा रहे हैं, विद्या के द्वारा लाभ, विद्या के द्वारा
शासन में लाभ, विद्या के द्वारा कर्म में लाभ, विद्या एजुकेशन के द्वारा धन में लाभ। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कृतिका नक्षत्र में करेंगे, तो कृतिका में डेफिनेटली लाभ। फिर रोहिणी, रोहिणी मतलब आरोहण करना सिखाएंगे। मृगशिरा में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको लाभ देंगे। तो हर तरह से सूर्य नारायण लाभ ही दे रहे हैं आपको, सूर्य नारायण से कोई टेंशन नहीं, लाभ ही लाभ होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में जो धन के कारक हैं, शुक्र महाराज आपके व्यापार के कारक हैं, वो 24 अप्रैल से ही मेष में हैं और 19 मई तक मेष में रहेंगे, 19 मई को वृषभ में जाएंगे। यहाँ पे भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए शुक्र लगन में होंगे सुंदरता बढ़ेगी, शुक्र लगन में होंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, नो डाउट अट्रैक्शन बढ़ेगी, सुंदरता आपकी बढ़ेगी। किंतु यहाँ डबल मार्केस है और डबल मार्केस हो के आपके लगन पे चल रहे हैं, तो डबल मार्केस का लगन पे चलना सेहत संबंधी परेशानियों को सूचित करता है, और तब और अधिक जब आपका लग्नेश 12 में चले जाए। इसलिए मित्र या माँ डेफिनेटली सेहत के लिए थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे का सफर तय करिएगा, खासकर 15 मई से 1 जून तक। वैसे 8 मई से असर आना शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे शुक्र भी कह रहे हैं धन तो दे देंगे, लेकिन धन अगर पैसे आपके रोग में एक्सीडेंट में खर्च हो जाए क्या करोगे ऐसे पैसे का, नहीं चाहिए भाई। बुध महाराज, बुध महाराज भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा फल नहीं देते, पराक्रम के स्वामी हैं और साथ में ये खष्टेश हैं, और 10 मई को ये मेष में आ जाएंगे। देखिए जब कोई योग बनता है ना मित्र, तो हर तरह से कम 3 तरह से बनता है तभी योग क्रिएट होता है, एक अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। बुध का मेष राशि में होना मतलब सीधे सीधे गति मत पकड़िए, सोच समझ कर कार्य करिए। पराक्रम का स्वामी है, अच्छा है, पराक्रम आपसे डेफिनेटली करवाएगा। अब आपके पराक्रम के जो स्वामी हैं वो जा रहे हैं एकादश लाभ के घर में जा रहे हैं, पराक्रम से लाभ बढ़िया है। किंतु छठवें का स्वामी अपने से 8वें जा रहा है खष्टम, अपने से अष्टम, शत्रु कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके लिए हॉस्पिटल में जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, या असावधानियां कुछ ऐसा कर देंगे कि आप दवाओं को लेना पड़ेगा, आपको दवा के साथ चलना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरे के पैर में लगी हुई चोट को देख के एहसास कर ले कि दर्द क्या होता है, खुद पैर नहीं मारना चाहिए। परिहार इसका भी आगे आपको बताता हूँ। शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यह नक्षत्र परेशानियों को तोड़ने वाला, कुछ रिश्ते भी टूटेंगे, कुछ रिश्ते टूटना शुरू हो गए हमसे भी, दो काफ़ी लोगों के जो रिश्ते थे बेवजह थे, ठीक है, नमान नमान में तेरा मेहमान, उन लोगों से रिश्ते टूटे हैं, अपने आप टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उनसे स्नेह खत्म हो रहा है। परमात्मा का विधान होता है तो आपके साथ भी कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते अलग होंगे, टूट जाने दीजिए, क्योंकि जो बेवजह के तार जुड़े हुए हैं जिनमें करंट ही नहीं आ रहा है, और कपड़े आपको सुखाने नहीं हैं तो क्या करोगे। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। राहु महाराज यथावत हैं, मीन राशि में ही चल रहे हैं, और मीन राशि में राहु अच्छे फल नहीं देते, द्वादश के राहु है ना, असावधानी हुई परेशानी दे देंगे। केतु खष्टम में सामंजस्य बना के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ठीक है, कुल मिला के सेहत के लिए या माँ अत्यंत सावधानी के साथ चलने वाला। परिहार मंगल को अगर मजबूत रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाही लाल देह लाली लसे अर्धर लाल गोर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपशूर। हनुमान जी के शरण में रहिएगा, चीज़ें ठीक होगी। क्योंकि बुध भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बुध के नक्षत्र में जाके मंगल को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप छोटे बच्चों को पेन दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, किसी का बर्थडे है गिफ्ट दे दीजिए, गाय को हरा चारा खिला दीजिए, पंछियों को हरा दाना डाल दीजिए, सब कुछ राधे राधे होगा। अंगारक योग से सावधान रहिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हवा पीछे ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए वीडियो यहीं पे, एक दो पॉइंट था लेकिन फिर भी राधे राधे, खुश रहिएगा। हनुमान जी की आराधना, सभी परेशानियों को, परेशानियों से आपको मुक्त कर देगी, ठीक है ना। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सब कुछ राधे राधे होगा। बुध की चीज़ों का दान करते रहिए, यात्रा करते समय सावधानी आवश्यक है। राधे राधे।